निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर। इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। अजमेर शहर में जो ये एलिवेटेड रोड शहर को थोपा गया है उससे व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। न कोई सिस्टम है न कुछ है, सारा ड्रेनेज वगैरह ये जो खड्डे बनाए गए हैं किसी भी वक्त भी कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ओपन सारे, कोई उसमें बैरिकेडिंग नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद जो पानी सड़क पे आता है व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं। व्यापार तो वैसे ही ख़त्म है और एलिवेटेड रोड की वजह से और परेशानियाँ आ गई है। अब जब तक हमारी समाधान नहीं होगा इसका तो हम बहुत ही उग्र आंदोलन करेंगे, नहीं तो हो सका तो अजमेर शहर भी बंद कराएंगे। इतना परेशान हो चुके हैं हम। निगम को शिकायत दी थी पहले, निगम के पास गए हैं लेकिन वहाँ तो सुनवाई होती नहीं है। वहाँ वो कहते हैं तो ये तो कंपनी वालों का काम है, जिसको ठेका दिया गया है वही करेंगे। यातायात के पास गए तो उन्होंने भी ये पल्ला झाड़ दिया कि भाई ये तो हमारा काम नहीं है, हम तो व्यवस्था बना के रखते हैं, बाकी सारा काम उनका ही है। इस तरीके की परेशानी आ रही है वहाँ पे, यही व्यवस्था है नहीं, यातायात की भी नहीं है, है। ग्राहक को आने के लिए दुकान पे जगह ही नहीं है, कहाँ से आएगा ग्राहक। धूल मिट्टी तो इतनी पूरा दिन उड़ती है तो बैठना ही मुश्किल हो गया है। और यही हाल रहे तो व्यापारी लोग, कई तो दुकान ही बिक चुकी है, जो किराए पे हैं वो तो खाली कर चुके हैं, कि धंधा है नहीं, ग्राहक कहाँ से आएगा। आज किसे ज्ञापन? आज कलेक्टर साहब के पास आए, जिलाधीश के पास। आपका नाम? कमल अभिचंदानी, संरक्षण स्टेशन रोड व्यापार से। सर, स्टेशन रोड व्यापारिक संघ की तरफ से हम आए हैं क्योंकि जो स्मार्ट सिटी के तहत एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण हो रहा है उसमें कई नियम फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। संबंधित सिम्फोनिया जो कंपनी को ठेका दिया है, आप खुद देखेंगे कि वहाँ रोड पे जो पेवरीकरण उनको पाइल्स के बाद उन्होंने पिलर जो खड़े करें वहाँ होना चाहिए वो नहीं किया। धूल मिट्टी का भयंकर अंबार है, केवल पानी दो टाइम डालने से वो धूल मिट्टी वहीं जमी रहती है, थोड़ी देर बाद वो सूख जाती है और धूल का गुबार जो उड़ता है तो आमजन और व्यापारियों को स्वास्थ्य में भी उनको डैमेज कर रहा है। साथ में रोड पे इतने खड्डे हैं और कंक्रीट है जिससे कई गाड़ियां स्लिप हो रही हैं और कई एक्सीडेंट भी वहां हुए हैं। अभी वर्तमान में मदीना होटल के सामने, स्टेशन के सामने जो ड्रेनेज सिस्टम की लाइन है उसको भी डैमेज कर दिया और एक तरफ पूरा पानी से लबालब वो भरा हुआ है। नगर निगम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, ट्रैफिक बुरी तरह से बाधित हो चुका है, व्यापारियों का व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस विषय में हमने निगम से भी संपर्क किया, निगम के अधिकारी कहते हैं सिम्फोनिया कंपनी के ठेकेदार जो हैं वो सफाई व्यवस्था करेंगे, पेवरीकरण का काम करेंगे। अब सिम्फोनिया के अधिकारी जो हमसे मिले वो कहते हैं कि ये तो निगम की जिम्मेदारी, हम कुछ नहीं करेंगे। आखिर में परेशान होकर व्यापारी वर्ग आज जिलाधीश महोदय से निवेदन करने आया कि इसके अंदर आप रुचि लेके इस समस्याओं से निजात दिलाएं, अन्यथा व्यापारी जो संघ हमारा स्टैंड रोड व्यापारिक संघ है व्यापार महासंघ के साथ मिलकर कोई बड़ा उग्र आंदोलन का रूप धारण कर लेगा जिसमें जो स्मार्ट सिटी के तहत ये काम हो रहा है हम भी चाहते होना है उसमें बहुत बड़ा व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। बालेश गोयल, स्टेशन रोड व्यापारिक संघ अध्यक्ष।